ये मच्छर झील है जो कभी एशिया भर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। इस झील के बीचों बीच खड़ी ये नौकाएं स्थानीय मछुआरों के मोहाना कबीले का एक गांव है। हुस्ना माई की जिंदगी मच्छर झील में तैरती इन कश्तियों में गुजरी है। वो बताती हैं कि मच्छर झील के इकोसिस्टम की बदहाली ने मछुआरों के लिए आर्थिक मुश्किलों को जन्म दे दिया। मेरी शादी भी यहाँ हुई और मेरी पैदाइश भी यहाँ की है। मेरे बच्चे भी यहाँ बड़े हुए हैं। मेरे 8 बच्चे हैं। मेरा पति सुन नहीं सकता और उसकी नज़र भी कमज़ोर है। उसके साथ मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल बिछाती हूँ। अगर 1 किलो तक मछली हाथ लग जाए तो उसे बेच करके आटा खरीद कर अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। चादरों से ढकी लकड़ी की नावों की छत पर बिजली के लिए तो सोलर पैनल लगे हैं, लेकिन नौकाओं के इस गांव में दूसरी बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। एक कमरे के कश्ती घर में खाना पकाने के लिए एक कोने में मिट्टी का छोटा सा चूल्हा है। झील के आसपास लगी झाड़ियां और पेड़ पौधे इन चूल्हों का ईंधन बनते हैं। मोहाना कबीले की ये बुजुर्ग महिला बता रही हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से नौकाओं पर रहना दुश्वार होता जा रहा है। धुएं से बच्चों की हालत खराब हो जाती है। जब बारिश या तूफान आता है तो बच्चे और सामान भीग जाता है। हम इस दौरान खाना नहीं पका सकते, वो भूखे ही सो जाते हैं। हुस्ना माई कहती हैं मच्छर झील का पानी कड़वा और दूषित हो चुका है, लेकिन गरीबी की वजह से उनके पास अक्सर खाना खरीदने के पैसे नहीं होते। ऐसे में पीने का साफ पानी कैसे खरीदें? बच्चों की भूख कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई भी नहीं। पानी खरीदेंगे तो बच्चों के लिए आटा खरीदने के पैसे नहीं बचेंगे। मजबूरन ये कड़वा पानी हम बच्चों को पिलाते हैं। यहाँ ना अस्पताल है, ना स्कूल है और ना कोई पानी का फिल्टर जिससे हम पानी छानकर पी सकें। मच्छर झील में आज से 10 से 15 साल कबल हजारों की तादाद में माहीगीर इन कश्तियों पर रहते थे, लेकिन जब से मच्छर झील का पानी जहरीला हुआ है ये लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। आज भी जो 300 से 400 लोग यहाँ पर कश्तियों में रह रहे हैं उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। मच्छर झील की मोहाना बिरादरी पीढ़ी दर पीढ़ी इन कश्ती घरों में रह रही है। ये लोग मछली पकड़ कर अपना गुजर बसर करते हैं। बूबकबंद गांव के इस मछली बाजार में स्थानीय मछुआरे झील से मछलियां पकड़कर व्यापारियों को बेचते हैं। ताज़ा मछलियों को तोलने के बाद उनके वजन और किस्म को देखते हुए अलग अलग किया जाता है और फिर बर्फ के डब्बों में बंद करके पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बेचा जाता है। साइज के हिसाब से मोराको मछली को अलग करते हैं, छोटी मछली अलग और बड़ी मछलियों को अलग करके भेजते हैं। मच्छर झील किसी ज़माने में अपने इकोसिस्टम की वजह से मशहूर हुआ करती थी, जहां इंसान, मछलियां, जलीय पौधे और परिंदे एक साथ बसते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक असर, खेती में केमिकल्स के इस्तेमाल और फैक्ट्रियों के कचरे ने पानी को दूषित करना शुरू कर दिया। नतीजतन झील का इकोसिस्टम दम तोड़ने लगा। स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि मच्छर का पानी दूषित होने से पहले अच्छे दिनों में हर दिन 10 टन से ज़्यादा मछली पकड़ी जाती थी, लेकिन अब ये तादाद 2 टन से भी कम हो चुकी है। जब पानी ठीक था उस वक्त रोजाना 20 डार्टसन गाड़ियां यानी 40 टन मछलियां निकलती थी। अब चूंकि पानी खराब है तो 1.25 टन से 2 टन मछलियाँ ही निकलती हैं। सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर मौजूद मच्छर झील 200 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा में फैली है। इसका ज़्यादा हिस्सा सिंध प्रांत के ज़िला जामशोरो और कुछ हिस्सा ज़िला दादू में सेवन शरीफ से चंद किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि मोहाना कबीले की कड़ियाँ हजारों साल पुरानी मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिलती हैं और कश्ती घर में बसने की परम्परा भी सदियों पुरानी मानी जाती है। मीर बख्श मल्ला मच्छर बचाओ मुहिम के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि अतीत में मच्छर के मछुआरे खुशहाल जिंदगी बसर करते थे, लेकिन मच्छर झील की बदहाली के साथ साथ नाव में रहने की परंपरा भी धीरे धीरे खत्म हो रही है।
वो कहते हैं अगर मच्छर झील में पानी का स्तर जरूरत के मुताबिक बरकरार रखा जाए और प्रदूषण से साफ रखा जाए तो यहाँ की मछुआरों की आबादी एक बार फिर खुशहाल हो सकेगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि 70 आरओ फिल्टर प्लांट का बजट होने के बावजूद वो नहीं बनाए जा रहे हैं। दूसरी समस्या रोजगार की है। मत्स्य पालन विभाग मछली का जो बीज डालता है उसके लिए कानून बनाए ताकि छोटे आकार की मछलियों को ना पकड़ा जाए। यहाँ के मछुआरों को तभी फायदा हो सकेगा जब मछलियाँ बढ़ेंगी, इससे खरीदार को भी फायदा होगा। यहाँ का पानी अगर मीठा हो जाए तो हमारी खेती, वन्य जीवन और मवेशी स्थायी तौर पर यहाँ रह पाएंगे। हुस्ना माई के बेटे मजीद मल्ला मछलियों के शिकार के बाद दोपहर के वक्त अपने कश्ती घर वापस पहुंचे हैं। मजीद दिन का खाना अपने 2 साल के बेटे और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खाते हैं। अपनी माँ की तरह मजीद भी अपनी आने वाली नस्ल की सेहत और तालीम के लिए फिक्रमंद हैं। बच्चों के लिए ये सोचते हैं कि हमें यहाँ स्कूल बनाकर दिए जाएं और सरकार की तरफ से कोई सवारी मुहैया कराई जाए जिसकी मदद से हमारे बच्चे आराम से वहाँ जा सकें और पढ़कर वापस आ सकें। इंसानी दखल ने मच्छर झील के इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया समेत कई ठंडे इलाकों के परिंदे मच्छर झील पहुँचते हैं, लेकिन अब इनकी तादाद भी कम हो रही है। अगर मच्छर झील के इकोसिस्टम को नहीं बचाया गया तो भविष्य में शायद इस शानदार झील की मछलियाँ, जलीय पौधे, पंछी और कश्तियों पर बसे गांव किससे कहानियाँ बनकर रह जाएंगे। इरफान आफ्ताब, DW हिंदी, मच्छर झील, पाकिस्तान।